पे सर चालू मैडम जी मैडम जी इधर देखिए इधर 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 सामने 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 हमारे पास हाथ निकाल लोगे वो खाली क्या लेंगे मैडम जी इधर देखिए बस बस मैडम मैडम किस साइड किस साइड मैम ये सेंटर सेंटर बोलते भी दादा अरे आराम से शूटिंग कर रहा हूँ सर सामने सर अरे समझ में आ रहा क्या हिलमत हिलमत अरे भाई हट यहाँ से अगर खराब हुआ वीडियो तो ऐसा मैं क्या कर सकता रहा तू घर भेजेगा क्या क्या करते हैं कतार एयरवेज कतार क्या है उनका नॉर्मली कैसे क्या आप समझते हो कतार क्या है कोई जगह है प्लेन प्लेन फ्लाइट्स राइट और फ्लाइट्स क्या करते हैं फ्लाइट्स एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए यूज आते हैं राइट तो कतार एयरवेज जो है वो 172 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को कवर करता है एंड आज हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे कतार एयरवेज एंड साक्षी मैम के साथ तो मीनाक्षी आप लोग जानते हैं ना कि साक्षी मैम बहुत ही बड़ी अभिनेत्री हैं उन्होंने बहुत टेलीविजन सीरियल्स में काम किया है कोई कहना चाहेगा कौन से सीरियल्स जैसे कि बड़े अच्छे लगते हैं कहानी घर घर की दिखाया था और उनको बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए और कभी थोड़ा डांट देती है
पर वो हमारी भलाई के लिए ही हमें डांटती है और हम उनसे रुक सकते हैं पर वो हमसे नहीं रुक सकती है। वो सूरज ही पहली किरण से उठती है और हम सबके सोने के बाद ही सोती है। इस तरह वो दिन भर काम करती रहती है पर कभी हमसे छुट्टी नहीं मांगती है ना कभी शिकायत करती है। वो कभी थकती भी नहीं है। वो खुद के लिए कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 100 बार सोचती है पर हम जो मांगते हैं हमें तुरंत ला कर देती है। वो त्योहारों में नए कपड़े खुद के लिए नहीं खरीदती है वो अपने बेटे के लिए खरीदती है ताकि वो जींस शर्ट पहन के स्मार्ट लगे और अपनी बेटी के लिए फ्रॉक खरीदती है ताकि वो ब्यूटीफुल लगे। भगवान हर जगह तो नहीं हो सकते ना इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। जिस तरह पेड़ खुद धूप में खड़े होकर दूसरों को छाव देता है उसी तरह माँ खुद मुसीबतों में खड़े होकर हम सबको ममता के आचरण में रखती है। इसीलिए किसी ने कहा था मेरी तकदीर में एक भी गम नहीं होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को दिया होता। बहुत सारे महान लोगों ने माँ की ममता के ऊपर किताबें लिखी है। किताबें लिखते लिखते उनकी पेन की शायरी खत्म हो गई है किताब के पन्ने खत्म हो गए हैं मगर माँ की ममता की तारीफ अब तक खत्म नहीं हुई है। माँ की अगर कीमत जाननी है तो अगर उनसे पूछो जिनके पास माँ नहीं है जो बिना माँ के जीते हैं। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मदर। और इससे अगर मैं क्या कह सकती हूँ मेरे पास तो शब्द भी नहीं है वो इतनी खास है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सो मम्मी की इम्पोर्टेंस है लाइफ में? यस। कितनी इम्पोर्टेंस है? बहुत ज़्यादा। ठीक है एक सोलो परफॉर्मेंस किसी ने प्रिपेयर किया और मेरे प्यारे मित्रों मेरा नाम निशान चौहान है और मैं कालिदास शास्त्री नगर म्यूनसिपल हिंदी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं आज जो गाना गाने वाला हूँ वो माँ के ऊपर है क्योंकि मदर्स डे है इसलिए। और मेरी बदकिस्मती है कि मेरे पास माँ नहीं है क्योंकि बचपन में ही मेरी माँ डेथ हो गई थी इसलिए मुझे उनकी इम्पोर्टेंस पता है और मैं उनकी याद में ये गाना गाने वाला हूँ। ओ धीमा 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 रे चूड़ा गुलाल माही तेरी चूनरी लाल है राई। धीमा 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 रे चूड़ा गुलाल माही तेरी चूनरी लाल है राई। रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का रंग तेरी रीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का रंग तेरी जीत का माही तेरी चूनरी लाल है राई। जब जब मुझ पर उठा सवाल माही तेरी चूनरी लाल है राई। ओ धीमा धीमा रे उड़ा गुलाल माही तेरी चूनरी लाल है राई। थैंक यू। I'm sorry.
यू, आपका नाम क्या है? बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी. सो मैम, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट? सबसे पहले तो तुम सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है. थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने मदर्स डे के लिए मुझे यहाँ बुलाने के लिए सोचा. मुझे मौका मिला तुम सबसे मिलने का, और इतनी अच्छी स्पीच और इतने अच्छे अच्छे गाने बहुत दिल से तुमने गाया, बहुत अच्छा लगा. और तुमने भी भेजा. हम लोग अक्सर एक एक दिन तय कर देते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, तो वो सेलिब्रेशन के हिसाब से ठीक है कि हम लोग सब इकट्ठे हों और किसी भी एक रिश्ते की जो खूबसूरती है, जो रिश्ते का महत्व है, उसे समझें. लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें रोज़ निभाने होते हैं और निभाने चाहिए भी. तो मुझे लगता है माँ बच्चे का जो रिश्ता है वो हर पल हमें इंजॉय करना चाहिए. सो मेरे लिए एवरी डे इज़ अ मदर्स डे, एवरी डे इज़ अ फादर्स डे, एवरी डे इज़ अ डॉटर्स डे. क्योंकि ऐसे थोड़ी कि एक दिन मम्मी को याद किया, मम्मी को चॉकलेट ला के दी और मम्मी के बारे में अच्छी अच्छी बातें की और बाकी दिन मम्मी को सताना नहीं है, ऐसा तो नहीं करते हो तुम लोग? नहीं ना. तो रोज़ माता पिता तो अपने आप में मतलब भगवान के समान होते हैं. जैसे स्पीच में बोला ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो उन्होंने माँ को भेज दिया. तो हमारे सामने, हमारे जीवन में तो जीवित रूप में, आशीर्वाद के रूप में भगवान हमेशा मौजूद हैं. तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि चाहे मदर्स डे हो या ना हो, फादर्स डे हो या ना हो, लेकिन हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी है हमेशा, हर दिन, हर पल. क्योंकि जैसा कि बोला अभी स्पीच में तुम सबने सुना कि माँ हमारी पहली गुरु होती है. हम जो कुछ भी सीखते हैं वो उनसे सीखते हैं. तो जो इंसान हमें अपने जीवन की नींव तैयार करने में मदद कर रहा है, जिसके सीख पे हम लोग खड़े रहेंगे जीवन भर, उनको हमें रोज़ रिस्पेक्ट देनी है. तो आज मदर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करें, लेकिन अपने आप से प्रॉमिस करना कि फॉर मी एवरी डे इज़ मदर्स डे. कोशिश करना कि तुम्हारी माँ को तुम लोग तुम्हारे नाम से गर्व हो. कि अभी हम लोग को जैसे होता है ना कि अरे ये इन मतलब को सपोज सविता आपकी मदर का नाम है कि ये सविता की बेटी है, कल को आगे जाके ऐसा होना चाहिए कि उनको तुम्हारे नाम से जानना चाहिए कि अरे ये तो उनकी मम्मी जा रही है. तो इतना अपने अपने जीवन में इतना अच्छा काम करना है, इतनी मेहनत करना कि तुम्हारे माता पिता को तुम लोगों से गर्व हो. और बेटा आपकी मॉम नहीं है, लेकिन याद रखना जो सृष्टि होती है, जो यूनिवर्स होता है, वो सबकी माँ होती है ना. तो आप उनको प्रे करना, आपकी माँ हमेशा आपको आशीर्वाद देगी, हमेशा आपके साथ रहेगी, इतना याद रखना. तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि अपनी मॉम को कभी हर्ट नहीं करोगे, प्रॉमिस. हमेशा रिस्पेक्ट करोगे, प्रॉमिस. और जीवन में आगे चल के उन्हें ये मौका दोगे कि आपके नाम से उन्हें गर्व. ओके, तभी मदर्स डे का असली मतलब बनता है सेलिब्रेट करने का, वरना नहीं. डन, प्रॉमिस. ओके, सो समझ आया सबको क्यों हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है मम्मी की लाइफ में? अगर मम्मी थोड़े दिन चले जाती है, अभी कहीं कहीं पे घूमने के लिए चले जाती है, तो फिर कितना डिफिकल्टी होता है ना घर पे. सबको घर पे रहना पड़ता है, सबको इधर उधर का काम करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब कुछ पढ़ाई इधर करो, फिर उसके बाद काम करो. तो मम्मी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ में, राइट? अच्छा, अब ये बताओ कि किसने अपनी लाइफ में कुछ नटखट है, कुछ मम्मी को थोड़ा बहुत परेशान किया है लाइफ में अभी तक? ये सारे बॉयज में, लड़कियाँ तो सीधी लग रही है सब. बॉयज बहुत चुप है, पर देन अंदर से बहुत स्टोरीज है लगता है. किसी की कोई मेमोरी है, किसी ने कुछ ऐसा कुछ किया है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक छोटी सी मेमोरी बताती हूँ. एक बार मेरी मम्मा ने 4 मैगी के पैकेट्स लेके आए थे, एंड मेरे दोनों सिबलिंग्स जो हैं वो बोल रहे थे कि 1 पैकेट सबके लिए एंड 1 एक्स्ट्रा रख देंगे, राइट? एंड मम्मा गए
15 मिनट्स के लिए 20 मिनट्स के लिए बाहर एंड वो मैंने चारों मैगी के पैकेट्स खत्म कर लिए, बना के खा लिए, 4 पैकेट्स सारे खा लिए और आज तक वो किसी को नहीं पता वो किसने खाए किसी को नहीं पता आज तक। तो कुछ ऐसा कुछ किया छोटा सा घर पे कभी नहीं किया और अभी तक मम्मी को नहीं पता है। मैम पेरेंट्स को पकड़ो बताओ सारी कैडबरी की चॉकलेट्स यहाँ है। ओके और किसी ने किया है गर्ल्स में? कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने? कुछ तो किया होगा, मम्मी को कुछ सताया होगा, यही ड्रेस चाहिए, यही पहनना है, नहीं तो यूनिफॉर्म नहीं, मैं कोई स्कूल नहीं जाऊंगी, ये लाके दो, ऐसा नहीं किया? अरे यार बहुत सीधे बच्चे हैं, बहुत सीधे नहीं मैम, सब सबके अंदर कुछ ना कुछ स्टोरी है बट वो बता नहीं रहे, सब जो लाफ्स निकल रही है ना यहाँ पे सबके अंदर कुछ ना कुछ छुपा है। कुछ ऐसा किया है? मैं तो अक्सर जाके फायदा उठा लेते हैं इस बात का कि मैं सबसे छोटी हूँ, और जैसे दीदी को, जैसे मुझे मम्मी देती थी चीज़ कि ये दीदी को दे दे और ये भैया को दे दे और ये तेरा है, तो मैं उसमें से भी थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल लेती थी, और लेकिन मैं मम्मी को बता देती थी क्योंकि मेरे को ये था कि अगर दीदी या भैया लोग शिकायत करेंगे तो डांट पड़ेगी, तो मैं जाकर चुपचाप मम्मी को बता देती हूँ, तो मैं थोड़ी उनकी चमची मुझे बोलते थे मम्मी की चमची। लेकिन हाँ ऐसे काम तो हमने बहुत किए हैं। एक बार मैं मेरा भाई पिकनिक पे जा रहा था तो मैंने बोला कि मुझे भी जाना है, मैं बहुत छोटी थी तो मैं गई नहीं, मेरे को अलाउड नहीं हुआ, और तो मैंने मम्मी को बोला कि अभी मैं पिकनिक पे नहीं जा रही तो मुझे टॉफ़ी के लिए पैसे दो, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए टॉफ़ी के लिए और मैं अकेले चली गई टॉफ़ी लाने, और टॉफ़ी लेके आ गई और ऐसे हमारे घर में पूरे बड़े बड़े पर्दे थे, उसके पीछे खिड़की में ना बैठने की जगह थी, तो मैं तो गुस्सा तो आ रहा था कि मैं पिकनिक पे नहीं गई, तो मैं टॉफ़ी लेके आके वो पर्दे के पीछे आके टॉफ़ी खाते खाते सो गई, और घर पे मम्मी को लगा कि ये टॉफ़ी लेने गई अभी तक आई नहीं, तो सारे सब लोग परेशान हो गए, मेरे डैड को फ़ोन किया, वो ऑफिस से आए, वो लोग पुलिस कंप्लेंट करने वाले थे कि बच्ची खो गई, इतने में पर्दा हिला आवाज़ से, मेरी माँ ने मतलब उनको खुशी मतलब तसल्ली तो हुई कि मैं मिल गई, लेकिन ऐसे पकड़ के मतलब बस मारा नहीं वरना उसकी मेरी खैर नहीं थी। मैंने तो बहुत किया ऐसे काम, तुम लोग बहुत सीधे हो यार। किसी ने कुछ नहीं किया मतलब ऐसा कुछ नटखट कोई नहीं है, सब सीधे बच्चे हैं ना। चलो वेरी नाइस, वेरी गुड। बदन कौन है मम्मी का चमचा, कौन है मम्मी की चमची? सब है ना, सब। मेरे डैड के साथ ज़्यादा एंगेज थी मैं ज़्यादा, तो उस टाइम पे मेरी मम्मा मुझे एक इतनी सी भी छोटी सी भी डंडी से मारने के लिए आते थे, तो मैं पूरी तरह से रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, एंड वो बोलते थे अगर कि अच्छा ये वाला काम तू अब करेगी, आई ऑलवेज यूज़ टू से हाँ करूँगी, स्टिल मैं करूँगी, रोती जाती थी मैं, बदन मैं स्टिल करूँगी। बट देन ऑफकोर्स मम्मी के साथ हमारा स्पेशली बॉन्ड है, मेरा भी बॉन्ड इंक्रीज हुआ है जब मैं बाहर पढ़ने के लिए आई, आप लोगों का भी ऑब्वियसली बॉन्ड ज़्यादा मम्मी के साथ। मम्मी फ्रेंड तो है ना सबकी, पापा से तो भी थोड़ा डर लगता है, मम्मी को जाके तो सब स्कूल में भी गड़बड़ होती है, मार्क्स कम आते तो मम्मी को ही बताते हो ना, मम्मी हैंडल कर लेगी पापा को। सब शेयर करते हैं बात मम्मी से, करना भी चाहिए। अपनी लाइफ की कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, आप सबसे फर्स्ट पर्सन जो सबसे परफेक्ट पर्सन है जिसके साथ शेयर करने के लिए वो है आपकी मम्मी, राइट? ओके, तो मतलब कोई नहीं बताएगा इनको, अभी ये लग रहा है कि टीचर को पता चल जाएगा, मम्मी को बता देंगी, टीचर्स को बाहर बताएं तो फिर सब बताएंगे, नहीं कभी भी नहीं बताएंगे। ओके ओके ओके, सो वन मोर स्पीच बीइंग प्रिपेयर्ड।
sure no words can describe our gratitude or thanks our mothers. She is the most precious gift to us from Almighty. As God could not have been present everywhere in the life, He must create our mothers to have these laws everywhere in our life. Mother role is supreme. Behind the success of every great person, there is inspiration of his mother. And she is our first teacher, first guide, and first friend. She gets second ease of life. She, when the child is born, she smiles. When the child smells, she cries. When the child weeps, and she sleeps. When she find her children asleep, child asleep, her great source of happiness is happiness of child. For her, the whole world is her children and family. She does everything to please each and every members of the family. In a way, she does thankless job for no wages, no holidays. Non-stop work for 365 days, years. Father seek them in forming opinions and making all the importance of decisions of life. Mothers is the nucleus of the family. No mothers, no family. No family, no society. No society, no country, no earth. No country, no world, and no existence, human being. Thanks for listening with such a great patience. Thanks for giving me such a great patience. And I wish you all very happy Mother's Day. Thank you. सब लोग प्रिपेयर करेंगे सेम स्पीच देन और जाके मम्मी को बताएंगे। हाँ मदर्स डे और मतलब इसलिए ओकेजन की खास बात क्या है कि स्पीच सबके घर में चल जाएगी राइट सब लोग प्रिपेयर करेंगे ठीक है और सब लोग घर पे जाके संडे को वैसे तो हर रोज बोलना चाहिए मम्मी को थैंक्स